इसमें। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है, फ्लिपकार्ट का फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे कि आपको यहाँ माइक्रोमैक्स का फ़ोन दिख रहा होगा, ये 4-5 हज़ार का था और आपको 2 हज़ार में मिल रहा है, मतलब 3 हज़ार में भी मिल रहा है 4G फ़ोन। तो देखिए दोस्तों मैं आपको वारंटी दिखा लेता हूँ कि आपको इसमें कौन कौन से क्वालिटी के अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि माइक्रोमैक्स स्पार्क 4G, तो ये आपको मिल जाएगा 3,500 के लगभग, और यूनिको आपको मिल जाएगा 4,499 रुपये का दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर और भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा वीवो का नया फ़ोन जिसकी काफ़ी चर्चा सुना होगा, वीवो X21। तो आपको 6 GB और 128 GB आपके इधर मिलेगा। और दोस्तों ख़ास बात, इसमें फिंगरप्रिंट आपको स्क्रीन में ही मिलेगा। तो देख रहे होंगे आप कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कैमरा भी दोस्तों 12 MP प्लस 2 MP आपको मिलेगा, और फ्रंट का 5 MP मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे दोस्तों कि जिस तरह से इसके फीचर दिखाया गया है, दमदार फीचर लग रहा है ये, और के बारे में भी काफ़ी तारीफ की जा रही है वीवो कंपनी की। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से वीवो कंपनी का ये फ़ोन भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये फ़ोन लेने वाले पहले ये सोच लें कि फ़ोन बेस्ट है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा भी लगता है ये फ़ोन। तो आपको इसमें मिलेगा 3200 mAh की बैटरी और 8.1 एंड्रॉइड ओरियो मिलेगा दोस्तों। तो मैं आपको पैक करता हूँ, बाकी डिटेल तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर लो प्राइस में बहुत ही अच्छा फ़ोन मिल रहा है दोस्तों, जैसे कि मूवी स्टार का आपको फ़ोन मिल रहा है सी क्यू, देख रहे होंगे आप। सी क्यू के बारे में दिखा देता हूँ, ये सब लगभग 5,000 रुपये का फ़ोन है दोस्तों, और ये आपको इतने 5,000 का फ़ोन है। और इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ मैं आपको, इसमें 2 GB रैम और 16 GB रोम मिलेगा, और 5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, 8 MP कैमरा और 3020 mAh की बैटरी मिलेगी, और स्नैपड्रैगन 425 का आपको इसमें क्वाड कोर 1.4 GHz पर प्रोसेस मिलेगा। हम दोस्तों इसमें आपको डुअल 4G मिलेगा दोस्तों, डुअल 4G बोले तो दोनों सिम में आप 4G चला सकते हो, मगर एक टाइम में आप सिर्फ एक ही 4G चला सकते हो। तो दोस्तों बैक करते हुए मैं आपको और दिखा देता हूँ, होनर का 7A भी दोस्तों इसमें आने वाला है, और मोटो G6 ये भी फ़ोन लॉन्च होने वाला है 4 जून को। और तो मैं आपको बता दूं कि दोनों में से आपको कौन सा फ़ोन पसंद आएगा ये आपके ऊपर बात है, और आप देख सकते हैं यूट्यूब में काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ बता दूं, अपकमिंग सेल भी आ रही है यूट्यूब में, जिसमें आपको रेडमी 5A और जेन फोन मैक्स प्रो और रेडमी नोट 5 प्रो, तो ये आपको मिल जाएंगे 6, 7, 7 और 5 तारीख को होनर 7A। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो आपको जो फ़ोन देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर इन फ़ोनों के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए ये वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आज के लिए इतना ही। तो आप फ्लिपकार्ट में जाके आपको कौन सा फ़ोन लेना है दोस्तों तो आप वहाँ चेक कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी प्राइस में काफ़ी अच्छे फ़ोन मिल रहे हैं दोस्तों। तो मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि फ़ोन लेने से पहले सोचे और समझे, और फ़ोन वही लें जो हैंग कम मारता हो और जो ज़्यादातर अच्छी तरह से फ़ोन हमारा चलता है।